Now let's see the book exercise of this chapter, Prakash the Peacock, and it is the worksheet number 14 on page number 4747 from your course book. Let's try one. Look at the pictures on pages 44, 45 and 46 in the story and then answer these questions. आपको आपकी बुक के पेज नंबर 44 मीन्स ये वाली पिक्चर, देन 45 मीन्स दिस इज द पिक्चर ऑफ जामुन ट्री एंड 46 मीन्स दिस पिक्चर. यू हैव टू वॉच दिस थ्री पिक्चर्स, ये तीनों पिक्चर्स आपको देखनी है और उसके बाद लेट्स ट्राई वन में जो क्वेश्चंस दिए हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना है. ओके, नाउ लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. वेयर आर द पिकॉक्स, यानी फर्स्ट पिक्चर जो है उसमें पिकॉक्स कहाँ पर है. नाउ लेट्स सी दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर पिकॉक्स आर इन द पार्क. पिकॉक्स कहाँ है, पार्क के अंदर है. तो आप अपना आंसर किस तरह से लिखेंगे, द पिकॉक्स आर इन द पार्क, यानी पिकॉक्स पार्क के अंदर है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पिकॉक्स डूइंग, पिकॉक्स क्या कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द पिकॉक्स डूइंग, पिकॉक्स आर डांसिंग. क्या कर रहे हैं पिकॉक्स, डांस कर रहे हैं. सो यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन इज द पिकॉक्स आर डांसिंग, पिकॉक्स डांस कर रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर थ्री इज व्हाट ट्री कैन यू सी इन द सेकेंड पिक्चर, व्हाट हैपेंड अंडर दिस ट्री. सेकेंड वाली पिक्चर के अंदर आप कौन सा ट्री देख सकते हैं और उस ट्री के नीचे क्या हो रहा है. नाउ लेट्स सी द सेकेंड पिक्चर. नाउ दिस इज द सेकेंड पिक्चर एंड दिस इज द, वी कैन सी द जामुन ट्री इन दिस पिक्चर. इस ट्री में हम कौन सा ट्री देख सकते हैं, जामुन ट्री. एंड नाउ लेट्स राइट द आंसर. वी कैन सी अ जामुन ट्री एंड प्रकाश वॉज क्राइंग अंडर दिस ट्री. और हमने क्या पढ़ा था स्टोरी के अंदर, जामुन ट्री के नीचे क्या हो रहा था, तो जामुन ट्री के नीचे प्रकाश क्राइंग कर रहा था, रो रहा था. Now the next question is what is happening in the last picture. Last वाली जो picture है उसके अंदर क्या हो रहा है. Now this is the last picture and in this picture Prakash is dancing happily in the rain. इस picture के अंदर क्या हो रहा है, प्रकाश बारिश के अंदर खुशी खुशी डांस कर रहा है, बहुत खुश हो रहा है. तो आप आंसर कैसे लिखेंगे इसका, प्रकाश इज डांसिंग हैप्पीली इन द रेन. ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स ट्राई टू रीड द स्टोरी एंड पुट अ टिक राइट इन द बॉक्स इफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट और अक्रॉस इफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. आपको ये सेंटेंसेस रीड करना है और अगर सेंटेंस करेक्ट है तो आपको राइट लगाना है और अगर सेंटेंस इनकरेक्ट यानी रॉन्ग है तो आपको क्रॉस लगाना है. फर्स्ट इज प्रकाश लव्ड टू डांस इन फ्रंट ऑफ पीपल, प्रकाश को लोगों के सामने डांस करना अच्छा लगता था. इट इज रॉन्ग, सो यू हैव टू क्रॉस हियर, आपको यहाँ क्रॉस करना है. नेक्स्ट प्रकाश गॉट हर्ट बाय द थॉर्नी बुश, यानी कांटेदार झाड़ियों से प्रकाश को चोट लग गई थी. यस राइट. नेक्स्ट द नेक्स्ट इज प्रकाश रैन एंड हिट अंडर अ मैंगो ट्री, प्रकाश दौड़कर गया और मैंगो ट्री के नीचे जाकर छुप गया. नो इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है तो हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे. नेक्स्ट इज प्रकाश वॉज सैड दैट इट वॉज गोइंग टू रेन, जब प्रकाश को ये पता चला कि बारिश होने वाली है तो वह उदास हो गया था. नो इट वॉज हैप्पी, प्रकाश हैप्पी हो था, सो इट इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज प्रकाश स्टार्टेड डांसिंग व्हेन ही हर्ड थंडर, जब प्रकाश ने गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी तब उसने डांस करना शुरू कर दिया था.
Yes, it is right. Next is the other peacocks liked his dancing very much. जो other peacocks थे उन्होंने प्रकाश के डांस को बहुत पसंद किया. Right? प्रकाश was happy in the end. और लास्ट में प्रकाश बहुत खुश था. Yes, it is also right.